तो जी अब मैनुअल तो पढ़ लिया है, अब ये है जी ऑन ऑफ स्विच, और इसमें यहाँ यूनिट सेट करनी है, बार, PSI और KPA। हमारे इंडिया में चलता है PSI, तो PSI कर दिया हमने, सेट कर दिया इसको 32 पे, और ये अगर रात को अंधेरा है तो हम इसको लाइट भी ऑन कर सकते हैं। ये ऑफ हो गई, ऑन ऑफ हो क्या जी, ये चार्ज कम है, इसको चार्ज करेंगे, चार्ज लगा के इसको चार्जिंग करके फिर यूज़ करते हैं इसको, बट ये हैंडी है काफ़ी गुड। 2 hours later, चलो भाई चार्ज तो हो गया अब, ये अब इसको देखते हैं कितनी देर में हवा भरता है, और भी यूजेस बताएंगे, चलो फिर चलते हैं भाई। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम इसको टेस्ट करने, सेटअप हमारा रेडी है, जितना भी दिखाएंगे ये एक्चुअल टेस्टिंग दिखाएंगे आपको, इसमें कोई भी कमेंट नहीं है। तो ये हमने ऑन कर दिया है, और इसको हम कर देते हैं 32 PSI, 32 PSI पे सेट कर दिया है, ये हम कर देते हैं इसको ऑन, और देखते हैं कितनी देर में ये जो है ये टायर को 32 PSI करती है। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि ये डिस्प्ले एंगुलर पे है तो हमको देखने के लिए झुकना नहीं पड़ रहा, मुझको यहीं से दिख रहा है ये कि कितना प्रेशर भर चुका है, ये इस समय 3 PSI प्रेशर हो चुका है। ये जो एंगुलर इन्होंने डिस्प्ले दिया ये बड़े बेनिफिट की चीज़ है। वाइब्रेशन मेरे पास 3 तरह के और इंडिकेटर्स हैं, वाइब्रेशन इसमें बहुत कम है, बहुत नेगलिजिबल वाइब्रेशन है इसमें, नहीं तो बाकी जो मेरे पास हैं उनमें अगर लगाओ तो वो भागते चले जाते हैं हवा भरने के साथ साथ। ये अभी अपनी जगह स्टिल खड़ा है, जबकि इसमें स्लिक डिजाइन है तब भी ये खड़ा है अपनी जगह, गिरा नहीं है अभी तक। हमने इसकी बैटरी फुल कर दी थी, देखते हैं कि एक टायर में हवा भरने के बाद 0 to 32 कितनी बैटरी इसकी कंज्यूम होती है। होने वाला है और करीब 8.5 मिनट हो चुके हैं, तो 8 मिनट 37 सेकंड में 0 to 32 PSI ये हो गया है, और आपने देखा कोई वाइब्रेशन नहीं थी। हमने जनरली 30 PSI होता है, हमने फिर भी इसको 32 पे रखा था, और एक पॉइंट बैटरी का इसमें डाउन हुआ है, तो मैं फील कर पा रहा हूँ कि पंप नेगलिजिबल गर्म हुआ है, पाइप भी बिल्कुल गर्म नहीं है। मेरे दूसरे पंप्स हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, मेरे पास 3 तरह के पंप्स हैं, वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं और पाइप को तो हम पकड़ ही नहीं पाते, इतना गर्म हो जाता है। ये आप देख रहे हैं कि मैं फील कर पा रहा हूँ हल्का सा गर्म है, नॉट टू हॉट, अच्छी बात है ये इसकी, जबकि बाहर का टेम्परेचर इस समय करीब करीब 38 डिग्री है। तो अब हमने कावासाकी निंजा ZX-14R की हवा निकाल ली है अपनी मोटरसाइकिल की, और हमने इसको कर दिया 0, आप देख सकते हैं हवा 0 है, और अब हम इसको करेंगे 32 pound। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले अपनी कार की टायर में हवा भरी थी, वहीं से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, अब मोटरसाइकिल में भरेंगे, तो ये दूसरा टायर है जिसको हम हवा भर रहे हैं कंटिन्यूसली, हम इसमें भी 32 PSI हवा भरेंगे। चालू कर देते हैं टाइमर भी, टाइमर चालू कर दिया, देखते हैं कितनी देर में हवा भरती है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि वाइब्रेशन नेगलिजिबल है,
8 मिनट 34 सेकंड में 32 PSI हवा भर गई है और 2 पॉइंट डाउन हो गए हैं, ये 1 पॉइंट बचा है, तो मतलब कंफर्टेबली 2 बड़े टायर्स तो इसने हवा भर दी है। और अभी देखते हैं नोज़ल हल्की सी गर्म है, पाइप बिल्कुल नॉर्मल है, मशीन भी वही हल्की सी गर्म है, तो गर्म नहीं हो रहा है और अच्छी बैकअप सप्लाई है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करके दिखाया, कार के अंदर भी हवा भरी, प्रीमियम मोटरसाइकिल के अंदर भी हवा भरी, 0 to 32 PSI हवा भरने में, कार के अंदर लगे 8 मिनट 37 सेकंड और प्रीमियम सुपर बाइक में हवा भरने में लगे 8 मिनट 34 सेकंड, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। इस प्रोडक्ट की बात करें तो इसकी बैटरी है 3000 mAh की, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन देती है रनिंग टाइम। चार्ज पोर्ट है इसका सी टाइप और चार्जिंग टाइम इसका 0 to 100 है करीब 3 घंटे। टॉप अप टाइम इसका काफ़ी कम है, मैंने यूज़ करके देखा है। मैक्सिमम प्रेशर इसका है 150 PSI और वेट इस प्रोडक्ट का है सिर्फ 430 ग्राम, जो कि इसको हैंडी बनाता है और बिल्कुल लाइट वेट है। बात करें LED की, तो LED इसकी एक छोटी सी LED दी गई है, जो कि रात के समय में जो होज एरिया है उसको लाइट कर देगी और हमारे को यूजिंग जो है थोड़ा सा आसान बना देगी। प्रोडक्ट हैंडी है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। सबसे बढ़िया इस प्रोडक्ट की बात है कि जो इसका डिस्प्ले है वो एक 20 डिग्री एंगल पर है, जिससे हमको कितना प्रेशर भर गया है, क्या स्टेटस है हवा का, वो देखने के लिए झुकना नहीं पड़ता, आप खड़े खड़े भी देख सकते हैं। इसका जो होज है वो प्रीमियम होज है, छोटा है। जनरली दिक्कत आती है मोटरसाइकिल के अंदर, प्रीमियम मोटरसाइकिल्स में हवा भरने में बड़ी मुश्किल से होज लगता है, इसके साथ ऐसा नहीं है और 360 रोटेटेबल होज है इसका। लो नॉइस है, रैटलिंग बिल्कुल नहीं है, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है इसमें बाकी पंप्स के मुकाबले में। मैं तीन कंपनीज के पंप्स यूज़ करता हूँ और नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, लेकिन उनके मुकाबले ना ये गर्म होता है, बहुत ही मिनिमल गर्म होता है ये। एसेसरीज इसकी जितनी भी हैं, बैलून भरने की है या आपका फुटबॉल भरने की है या साइकिल का अटैचमेंट है, वो सब इसी पंप के अंदर दिया गया है। और इसका मैंने आपको बताया कि रन टाइम जो है, क्योंकि 3000 mAh की बैटरी है तो काफ़ी लंबा है। हमने लगातार बैक टू बैक कार में और मोटरसाइकिल में हवा भरी थी तो 2 पॉइंट डाउन हुए थे सिर्फ। तो मेरा ये मानना है कि 4 कार के टायर की हवा ये मेरे हिसाब से भर देगा। तो दोस्तों, कुल मिला के ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, यूजेबल है, हालांकि ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये अब मेरे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि हैंडी है और इजी टू यूज़ है, लॉन्ग लाइफ है इसकी, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्ग रनिंग टाइम है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हम जब ट्रैवल करते हैं। इस प्रोडक्ट का प्राइस है 4,649 rupees। इस प्रोडक्ट की इजी अवेलेबिलिटी है फ्लिपकार्ट पर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगा आपको, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे।